और सबसे पहले दर्शकों, पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकले और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जुगसलाई क्षेत्र में तबलीगी जमात से आए 19 लोगों को किया गया क्वारंटाइन, जिला प्रशासन के आदेश पर शुरू हुई कार्रवाई। परमाबाई से करेज कॉलोनी में भागलपुर के रहने वाले 18 दिहाड़ी मजदूर निकले भागलपुर पैदल, प्रशासन ने ली सूद। और कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने उठाया सख्त कदम, हर आने जाने वालों पर है पैनी नजर। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के जुगसलाई छत्ता मस्जिद और आयशा मस्जिद में तबलीगी जमात से शामिल होने आए लोगों की मेडिकल जांच जिला प्रशासन के आदेश पर शुरू हुई। बता दें, जुगसलाई क्षेत्र में कुल 19 ऐसे तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटाइन किया गया जो की विभिन्न राज्यों से जमशेदपुर पहुंचे हैं। लगातार शहर के विभिन्न हिस्सों में दिल्ली मरकज में शामिल होने वाले लोगों के मिलने से पूरा जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई भी लापरवाही न हो, इसे ध्यान में रखते हुए जिन लोगों का भी ताल्लुकात तबलीगी जमात से है, उन सभी से लगातार ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे सभी दिल्ली मरकज में शामिल हुए हैं कि नहीं। बता दें, ओडिशा, बंगाल व अन्य राज्यों से जुगसलाई स्थित विभिन्न मस्जिदों में आए 19 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, जहां पूछताछ के क्रम में ये पाया गया है कि ये सभी दिल्ली मरकज में शामिल नहीं हुए थे। बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा इन सारे लोगों का मेडिकल जाँच किया जा रहा है। फिलहाल उन्हें मस्जिद में ही क्वारंटाइन कर रखा गया है। बता दें, वहीं संबंध में जुगसलाई थाने पदाधिकारी अनिरुद्ध मंडल ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी का मेडिकल जांच किया जा रहा है। ये पुरानी मस्जिद छत्ता मस्जिद में 13 गो बाहर से ठहरे हुए हैं, उन्हीं को जांच के लिए जांच टीम मेडिकल रिकॉर्ड से आए हैं और उनके एक करके जांच किया जा रहा है कि कोई संदिग्ध उसमें कोरोना वायरस का तो नहीं पाया गया है, इसीलिए उसको जांच किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सवानी अनिरुद्ध मंडल। और इधर देश कोरोना वायरस के संक्रमण से बच जाए इसके लिए 21 दिनों के लॉकडाउन पर पूरा देश है और अलग अलग राज्यों से दिहाड़ी मजदूरों के भागने की सूचनाएं भी लगातार इसी के तहत मिल रही हैं। वैसे जैसे जैसे मजदूरों के पेट की आग बढ़ती जा रही है, ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, झारखंड के जमशेदपुर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहाँ बिहार के भागलपुर के एक ही गाँव के 18 दिहाड़ी मजदूरों से पेट की आग जब बर्दाश्त नहीं हुई तो ये सभी मजदूर पैदल ही भागलपुर के लिए निकल पड़े। वैसे साक्षी थाना पुलिस ने इन मजदूरों को रोक लिया, लेकिन इन मजदूरों ने ठान लिया है कि चाहे जो हो, जाना है तो जाना है। फिलहाल सभी मजदूरों को जिला प्रशासन ने रोक रखा है। आपको बता दें कि ये सभी मजदूर बर्मा माइंस के कैरेज कॉलोनी में रहकर सीमेंट प्लांट में दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। लॉकडाउन के बाद किसी तरह 19 दिन इन मजदूरों ने काट लिया, लेकिन अब इनके सब्र का बांध टूट गया। मकान मालिकों ने इन्हें मकान खाली करने का फरमान भी जारी कर दिया। एक तरफ आशियाने की चिंता तो दूसरी तरफ पैसे नहीं। ऐसे में इन मजदूरों ने अपने गाँव जाने की ठानी और पैदल ही निकल पड़े भागलपुर के लिए। फिलहाल ये सभी दिहाड़ी मजदूर जिला प्रशासन के इंतजार की आस में एसडीओ और डीसी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। वैसे अगर जहां तहां फंसे दिहाड़ी मजदूरों के लिए जल्द ही कोई व्यवस्था नहीं की गई तो दिल्ली के तर्ज पर जमशेदपुर और झारखंड के अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जमशेदपुर भी मजदूरों का शहर है और यहाँ बड़ी संख्या में बाहरी मजदूर रहते हैं। परेशानी यही है हम लोग को कि काम जो था वो तो काम बंदे हो गया, जो पैसा था वो भी खत्म हो गया, राशन पानी भी नहीं मिल रहा, ना कोई सुविधा मिला हम लोग को। सीमेंट का काम करते थे माल गोदाम में, हम लोग सब भागलपुर जिले का हैं, एक ही गांव के 18 लोग हैं, तो हम लोग रूम से निकल गए हैंडओवर करके, वहां रूम मकान मालिक भी पैसा मांग रहा था कैरेज में, कैरेज कॉलोनी बर्मा मेंस, और हम लोग निकल गए पैदल रोड पे घर जाने के लिए, तो हम लोग को साक्षी थाना पकड़ लिया और वहाँ से ले आया अंदर, वहाँ से 2-3 घंटा बैठाया और उसके बाद बोला जहाँ रहता था वहीं जाओ। तो हम लोग बोले कि डीसी साहब से मिलेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पैदल जाएंगे गांव भागलपुर। खाने पीने का तो कोई सुविधा है ही नहीं है सर, 4-5 दिन लगेगा, क्या करेंगे, रास्ते में कुछ मिलेगा तो खाएंगे नहीं तो भूखे रहेंगे। और इधर देश कोरोना वायरस के संक्रमण से
बच जाए इसके लिए 21 दिनों के लॉकडाउन पर पूरा देश है और अलग अलग राज्यों से दिहाड़ी मजदूरों के भागने की सूचनाएं भी लगातार इसी के तहत मिल रही हैं। वैसे जैसे जैसे मजदूरों के पेट की आग बढ़ती जा रही है ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, झारखंड के जमशेदपुर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जिला प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है कि सारे शहरवासी लॉकडाउन का पालन करें, बावजूद इसके लगातार शहर के विभिन्न हिस्सों से लॉकडाउन के उल्लंघन की बात सामने आ रही है। ऐसे में एक जिले से दूसरे जिले में लोग प्रवेश ना करें इसके लिए भी पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। जहां हर चेक नाके में शहर के विभिन्न कोने या फिर एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों पर विशेष नजर जिला पुलिस की है। देर रात शहर के हर कोने में विशेष जांच अभियान भी इसी कड़ी में चलाया गया। लेकिन अगले बार से जब दोबारा पकड़ाएंगे, क्योंकि उनका नंबर हमने नोट कर लिया है, अगर इस तरह की अगर अगले कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो की जाएगी। 17 दिन से लोगों को समझा रहे हैं, क्या लोग समझ रहे हैं? समझ नहीं रहे तो गलती इन लोग से पूछिए, जो ये प्रबुद्ध नागरिक लोग हैं उन लोग से पूछिए क्यों इस तरह का करते हैं। जब उन्हीं लोग के लिए सब किया जा रहा है, उन्हीं लोग के सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, इसके लिए कोई कड़ाई बरतिएगा? कड़ाई बरतिए, देखिए फिलहाल तो चेतावनी दे के छोड़ देंगे हम, हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं वो लोग बोले हैं चेतावनी दे के छोड़ा जाएगा, लेकिन अगले बार से जब ये करेंगे उस तरह का कार्रवाई करेंगे, लापरवाही बरतेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर बताते चले कि कदमा थाना अंतर्गत जीटी हॉस्टल के पीछे बने क्वारंटाइन सेंटर में इन दिनों देखभाल करने वाले कर्मचारियों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ लाख समझाने के बावजूद क्वारंटाइन में रखे गए लोग मानने को तैयार नहीं। वर्तमान समय में कुल 37 लोगों को जीटी हॉस्टल कैंपस के पीछे क्वारंटाइन कर रखा गया है, जहां लगातार चिकित्सक उनकी जांच कर रहे हैं। पर क्वारंटाइन सेंटर में अपनी सेवा दे रहे चिकित्सकों को काफी परेशानियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। पॉजिटिव है, इनका तो रिपोर्ट आया है, इसमें डिटेक्ट नहीं किया गया है कोरोना पॉजिटिव, तो रिपोर्ट नेगेटिव ही है। कुल कितने हैं यहाँ पेशेंट हैं? अभी इनको लेकर के 37 हो रहे हैं। आगे भी चलो, लोग अलग अलग जगह से हैं, कुछ जो वैसे लोग हैं जो रोड से पाए जा रहे हैं, जो कहीं बाहर कट्टे वाले थे, तो अलग अलग माध्यम से लोग यहाँ पे मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पहुँचाया जा रहा है। डॉक्टर आते हैं, इनकी जाँच करके सैंपल लेकर के जाते हैं, फिर जैसे इनका टेस्ट आता है इनको वापस भेज दिया। कितनी कठिनाइयाँ आप लोगों को आ रही है सेवा भावना में? भैया इनका देख रेख करना और इनका अलग अलग तरीके का मांग होता है, इनकी एक्टिविटी जो होती है वो बाहर निकल करके घूमते रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि तो संभव नहीं है, आपको क्वारंटाइन किया गया है तो रूम में ही रहना है, कितना भी मना करने के बावजूद ये बाहर ही खड़े रहते हैं, फरमाइशें अलग अलग होती हैं। क्या नाम हुआ सर? अंबुज कुमार सिंह। और यहाँ बताते चले कि होम डिलीवरी करने वाले कंपनी के कर्मचारियों के समक्ष एक समस्या उत्पन्न हो गई है, जहाँ होम डिलीवरी करने में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने बताया कि एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा घर घर खाद्य सामग्री पहुँचाने का आदेश निर्गत किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर इन्हें रोका भी जा रहा है और लंबी पूछताछ के बाद इन्हें डिलीवरी के लिए छोड़ा जा रहा है। ऐसे में ये जाएं तो जाएं कहां? इन्होंने निर्णय लिया है कि संबंध में जिले के वरीय पदाधिकारियों से इनके द्वारा बात की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। हम लोग सर यहाँ अगर सर्किट हाउस जाना पड़ता है तो वहाँ हमारा ई पास मांगते हैं, गाड़ी मैं पास दिखाता हूँ तो बोलते हैं ये पास से नहीं होगा, तुम्हारा ई पास चाहिए, तो मैं ई पास अपना मोबाइल में दिखाता हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है, और खास करके आदितपुर पुलिया पार करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, करीब 40 से 50 हमारा ऑर्डर अभी तक कैंसिल हो गया, पुलिया जाने नहीं देते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा हुआ गोलू कुमार साहु। सोनारी सर्किट हाउस में क्या है, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? वहाँ पास मांगते हैं। तो पास तो ऑलरेडी आप लोगों का? हमारा पास है ऑलरेडी, तो बोलते हैं ई पास दिखाओ तुम्हारा, ये तो गाड़ी का पास है, तुम्हारा खुद का पास कहाँ है, तो मैं अपना ई पास दिखाता हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। सर कौन बना के दिया पास? हम लोग पास दिए सर, हम लोग हमारे जमशेदपुर का TL अनुपम नाम है जिनका, वही SDO साहब से बनवा के मुझे मिला है। क्या नाम है आपका? गोलू कुमार साहु। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दामों पर लेकर आया है एक से बढ़कर एक लजीज पिज्जा, कुकीज, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, ऑल टाइप्स ऑफ केक, पेटीज, स्नैक्स आदि।
तो फिर देखिए इस बात की, आज ही अपने पसंद का व्यंजन घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया धरतीडीह, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653, 6297318081। जिला प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ चिकित्सकों का समूह भी लोगों की सेवा में लगा है, जहां इनके द्वारा दिन रात एक कर कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में अपना योगदान दिया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन के लोगों के बीच सैनिटाइजर का भी वितरण किया जा रहा है। जिले के पुलिस के जवान दिन रात एक कर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इस महामारी में अपना परवाह करे बगैर लोगों को सुरक्षित करने के लिए लगातार ये प्रयासरत हैं। ऐसे में जवानों की सेवा के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी चिकित्सकों का समूह सामने आई, जहां इनके द्वारा पुलिस के जवानों के बीच सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराए गए, जहां इनके द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में घूम घूम कर पुलिस पदाधिकारियों को मास्क सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया गया। मैं बीके शर्मा, हेल्प क्रॉस सोसाइटी का प्रेसिडेंट, हमारी पूरी टीम साथ में है। आज हम लोग जमशेदपुर में जितने थाना है सब में जो टोटल स्टाफ है, सब कुछ जो सेवा दे रहे हैं, उनको हम लोग सैनिटाइजर, मास्क और पानी का बोतल पूरा बांट रहे हैं, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा ये लोग का भी उतना योगदान है जितना हम लोग मेडिकल के स्टाफ लोग सब दे रहे हैं। और प्लस इसके बाद हमारा प्रोग्राम रहेगा मीडिया कर्मी के लिए, क्योंकि सब कोई घर में है पर यही 2-3 लोग हैं जो पूरे सड़क में दिन रात सेवा दे रहे हैं। हाँ बताइए, आज के डेट में हम लोग सर ये जितने पुलिसकर्मी हैं सबको सम्मानित कर रहे हैं हेल्प क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है। जितने थाना हैं सबको हम लोग जाके मतलब मास्क का वितरण, सैनिटाइजर का वितरण और साथ में पानी का, जो दिन रात दोपहर में खड़े रहते हैं धूप बारिश की परवाह किए बिना जो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हेल्प क्रॉस सोसाइटी ने ये संकल्प लिया है कि जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक इस तरह हम लोग पूरा सेवा देते रहेंगे। गुड नेम सर, बीके शर्मा, हेल्प क्रॉस सोसाइटी। और वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फॉगिंग मशीन के द्वारा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव लगातार किया जा रहा है, साथ ही पूरे शहर के हर हिस्से को सैनिटाइज करने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। नगर निकायों के साथ साथ डिस्को क्षेत्र में भी सैनिटाइज करने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के द्वारा बाजार समिति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया, साथ ही पूरे बाजार समिति परिसर में भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बाजार समिति के सचिव संजय कच्छप ने बताया है कि जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के सहयोग से पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि इस महामारी के दौरान लोग सुरक्षित रह सकें। वर्तमान में जो महामारी जो फैल रही है कोरोना के कारण, उससे बचने के लिए और अपने आस पड़ोस जो मंडी क्षेत्र है उसमें संक्रमण को रोकने के लिए जो भी कारगर उपाय हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सैनिटाइजिंग का कार्य करवा रहे हैं मंडी में, ताकि जो है महामारी से हम लोग बच सकें। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी हम लोग जो है यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यापारियों को भी हम लोग सलाह देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं दूसरी तरफ जिला परिषद उपाध्यक्ष के द्वारा इस लॉकडाउन की स्थिति में लोगों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के तहत जरूरत के सामानों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जहां उनके द्वारा बृहद पैमाने पर जरूरतमंदों तक अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि कोई भी परिवार भूखा न सो पाए। वहीं संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, साथ ही घरों से बाहर न निकलें। एक और अपील आपके माध्यम से हम करना चाहेंगे कि लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, और बहुत अधिक ज़रूरत है तो आप घर से निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, और नाक में जरूर मास्क बहुत जरूरी है, इसलिए मास्क पहनने का काम जरूर करें। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है कि आप जरूर जरूरत हो तभी घर से निकलें। और इधर कोरोना मुक्त जमशेदपुर बनाने को लेकर पूरे शहर में उपायुक्त के आदेश पर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जहां संदिग्ध पाए जाने पर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है और होम क्वारंटाइन भी किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी आदि शामिल हैं। मेरा नाम उमानाथ सिंह है और हम शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग से हैं, और हम लोग आदरणीय उपायुक्त महोदय के आदेश से, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त उनके आदेश से यहाँ पर अभी पूरे जमशेदपुर में सर्वे हो रहा है, और कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। एक एक घर में सर्वे करके हम लोग कोरोना के जो भी मरीज हैं या जो भी संदिग्ध लग रहे हैं
उनको प्रशासन को जानकारी दे रहे हैं, प्रशासन की पूरा टीम उनका सपोर्ट कर रही है, उनके स्वास्थ्य का देखभाल कर रही है। और इस तरह से हम लोग पूरा इसमें हम लोग शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं, इसके बाद आंगनवाड़ी सेविका हैं, इसके बाद चिकित्सा विभाग के हमारे बहुत सारे लोग हैं, और ये सारे मिल करके ये घर घर सर्वे कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ आपको बताते चलें कि 21 दिनों के लॉकडाउन के तहत कोई भी जरूरतमंद भूखा ना रहे, इसके लिए शहर के विभिन्न संस्थाएं लगातार राशन व भोजन की व्यवस्था कर रही हैं। इसी कड़ी में प्रयास एक कदम के द्वारा भी लगातार जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा रहा है, जो अपने आप में सराहनीय कदम है। आप नहीं खाइएगा तो कोई दूसरा खाएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत खाना से वेस्ट हो रहा है, ठीक है? एकदम खाइएगा आराम से, ठीक है? सिलाई क्षेत्र में तबलीगी जमात से आए 19 लोगों को किया गया क्वारंटाइन, जिला प्रशासन के आदेश पर शुरू हुई कार्रवाई। परमाबाई से करेश कॉलोनी में भागलपुर के रहने वाले 18 दिहाड़ी मजदूर निकले भागलपुर पैदल, प्रशासन ने ली सूट। और कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने उठाया सख्त कदम, हर आने जाने वालों पर है पैनी नजर।